Hello students, today I am with you again with your first chapter. As you can see the name of the chapter on the board and the name of the chapter is Computer and its Uses. हमने अपनी लास्ट क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था. मैंने आपको कुछ टाइप से कंप्यूटर के बारे में बताया था, ये कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं और आज हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपके पास आपकी कंप्यूटर की बुक है तो आप उसे अपने साथ लेकर बैठें और जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगी आप उसमें रीड आउट मेरे साथ साथ करें. कंप्यूटर पेज नंबर 5 से हमारा चैप्टर शुरू था. मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स के होते हैं. एक होता है पर्सनल कंप्यूटर, एक होता है मोबाइल कंप्यूटर और एक होता है वियरेबल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप लैपटॉप बताया था जो हमारे स्कूल्स में और हमारे घरों में होते हैं, ऑफिस में होते हैं. और सेकेंड था हमारा मोबाइल लैपटॉप, जैसे कि टैबलेट यूज करते हैं, हमारे घरों में फोन्स यूज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोबाइल कंप्यूटर्स. और होते हैं वियरेबल कंप्यूटर जिन्हें हम पहन सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच होती है और स्मार्ट ग्लास होती है, उनको हम पहन सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें वियरेबल कंप्यूटर कहते हैं. तो आज हम पेज नंबर 7 से अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे. सबसे ऊपर हमें बॉक्स में दिया हुआ है, डू यू नो अप्रोक्सीमेटली 4000 ईयर्स अगो चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस. 4000 साल पहले चाइनीज लोगों ने एक इन्वेंशन करी थी अबेकस की. इट वॉज द फर्स्ट मशीन, ये पहली ऐसी यंत्र थी, पहला ऐसा यंत्र था यूज फॉर काउंटिंग एंड कैलकुलेटिंग, जिसका इस्तेमाल काउंटिंग और कैलकुलेट करने के लिए, गिनने के लिए किया जाता था. इट इज मेड ऑफ अ वुडन फ्रेम, ये एक लकड़ी के फ्रेम पर बना हुआ होता था. मेटल रॉड्स, मेटल की इसमें रॉड्स लगी हुई होती थी. एंड वुडन बीड्स, और छोटी छोटी बीड्स जो होती है, जैसे मोती होता है, मोती जैसी बीड्स उसके अंदर लगी हुई होती थी. एंड अबेकिस्ट इज अ पर्सन हु इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इन यूजिंग एन अबेकस, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता था अबेकस को इस्तेमाल करने का. टुडे अबेकस इज स्टिल वाइडली यूज्ड इन चाइना, आज के टाइम पर भी चाइना में अबेकस का इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेशन के लिए. एंड अदर एशियन कंट्रीज टू काउंट एंड कैलकुलेट जस्ट एज वी यूज कैलकुलेटर, जैसे हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आज भी चाइना में और अदर एशिया की कंट्रीज में इसका इस्तेमाल, अबेकस का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है. अब हम आते हैं अपने यूजेज ऑफ कंप्यूटर पे. कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम पढ़ेंगे. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है. लाइक स्कूल, स्कूल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, बैंक्स में होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, पुलिस स्टेशन में होता है, होटल्स में होता है, रेलवे स्टेशन में होता है एंड एयरपोर्ट पे होता है. और इसके अलावा भी और बहुत सारी जगह है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल, कंप्यूटर का यूज किया जाता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कूल में, हमारे स्कूल में कंप्यूटर का यूज क्यों किया जाता है. मेन तो मैंने चीजें लिखी हुई हैं, टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, टू प्ले एजुकेशनल गेम्स. पहला पॉइंट है हमारा, आवर टीचर्स, हमारे जो टीचर्स होते हैं यूज प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसे कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि हर पिक्चर को बोर्ड पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रोजेक्टर से और स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बच्चों को उन पिक्चर्स को दिखाया जाता है. सेकंड पॉइंट है हमारा, वी मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, हम बहुत सुंदर पिक्चर्स बनाते हैं कंप्यूटर की मदद से. बहुत सारे एजुकेशन यानी कि हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड गेम्स को खेलते हैं कंप्यूटर्स पे, कंप्यूटर लैब में. उसके बाद बोला है वी कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशन ऑन द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. सेकेंड है होम, कि अब घरों पे हम किस किस चीजों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं. एट होम वी यूज कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए, किसी को कोई भी चीज मेल करने के लिए, मेलिंग के लिए. एंड इंटरनेट सर्फिंग, इंटरनेट सर्फिंग जैसे हम यूट्यूब पे अपने वीडियोस देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी हम घर पर कंप्यूटर का यूज करते हैं. उसके बाद टीचर बच्चे से पूछ रही है डू यू यूज कंप्यूटर एट होम, क्या आप घर पे कंप्यूटर का यूज करते हैं. तो बच्चा कह रहा है यस आई कैन रिकॉल माई डैडी वर्किंग ऑन लैपटॉप, मैंने अपने पापा को लैपटॉप पे काम करते हुए देखा है. फिर आई एंजॉय विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के संग एंजॉय करता हूँ. वॉचिंग द पिक्चर्स, पिक्चर्स को देखना, वी क्लिक ड्यूरिंग द समर वेकेशन ट्रिप,
जिनको हमने समर वेकेशन ट्रिप के टाइम पे पिक्चर्स को क्लिक किया था, हमने उन्हें अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा हुआ है और मैं उनको देखकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता हूँ उन मोमेंट्स को। आई ऑल्सो लव प्लेइंग गेम्स, मेरे को कंप्यूटर पे गेम खेलना भी बहुत पसंद है। ऑन द टैबलेट विद माई सिस्टर, अपनी बहन के साथ टैबलेट पे गेम खेलना भी मुझे पसंद है। टैबलेट हमारा कौन से टाइप का कंप्यूटर है? मोबाइल कंप्यूटर। मॉम कैन यू कुक अ यम्मी स्नैक्स फॉर मी, उसमें बच्चे ने बोला कि मम्मी क्या आप मेरे लिए यम्मी स्नैक्स बना सकती हैं? मदर रीडिंग रेसिपी ऑन हर स्मार्टफोन टू कुक अ हेल्दी स्नैक। जो मम्मी है वो फोन पे रेसिपी देख रही है कि जो हेल्दी स्नैक्स है वो कैसे बनती है। तो मम्मी ने किस चीज का यूज किया? स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन भी हमारा क्या है? मोबाइल कंप्यूटर। उसके बाद है मॉम कैन यू हेल्प मी, क्या मॉम आप मेरी मदद कर सकते हो टू फिनिश माई होमवर्क असाइनमेंट, मेरे होमवर्क असाइनमेंट को पूरा करने में। आई हैव टू पेस्ट कलरफुल पिक्चर्स, मुझे कुछ रंग बिरंगी पिक्चर्स इसमें पेस्ट करनी है ऑफ एनिमल्स, जानवरों की, इन माई साइंस नोटबुक, अपनी साइंस की नोटबुक में। देन मदर प्रिंटिंग द पिक्चर, मदर प्रिंटर से पिक्चर प्रिंट कर रही है, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये भी क्या हुआ हमारा? कंप्यूटर का वर्क हुआ जो हम कहाँ पर करते हैं? अपने घर पर करते हैं। एट होम वी यूज डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट एंड स्मार्टफोन टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क। अपने घरों में हम डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप जो डेस्क पे रखा हुआ कंप्यूटर, लैपटॉप यानी लैप हमारी गोदी में रखा हुआ कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनका इस्तेमाल अलग अलग टास्क को करने के लिए, अलग अलग चीजों को करने के लिए हम अपने घर पे करते हैं। पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है टेस्ट योर प्रोग्रेस, इसमें आपको कुछ वर्ड्स हैं उनके कुछ कुछ लेटर मिसिंग है, आपको उन लेटर्स को फिल करके इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ये आपको खुद से करना है। फिर पेज नंबर 10 पर आएंगे, फिर है हमारा हॉस्पिटल्स। हैव यू सीन कंप्यूटर इन हॉस्पिटल, क्या आपने हॉस्पिटल में कंप्यूटर देखे हैं? टूडे मोस्ट ऑफ द मशीन, आप ज्यादातर जो यंत्र हैं उनका हॉस्पिटल में इस्तेमाल कंप्यूटर के जरिए ही किया जाता है। काफी सारे डॉक्टर्स हैं वो एक्सरे मशीन का यूज करती हैं, वो भी कंप्यूटर के द्वारा वर्क करती है, सिटी स्कैन करती हैं वो भी, अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी, एंड कलर डॉपलर वो भी, इन सब चीजों का इस्तेमाल कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। फिर और भी चीजें हैं, बिलिंग काउंटर, चीजों का यानी कि पेशेंट का बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लुकिंग एट एक्सरे, जो डॉक्टर है वो एक्सरे को कहाँ पर देख रहा है? कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही देख रहा है। ड्यूरिंग सर्जरीज, सर्जरीज में पेशेंट को ट्रीटमेंट करते टाइम भी जो पोजीशन होती है उसे हम कंप्यूटर पे देखते हैं डॉक्टर्स। ड्यूरिंग सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन करते टाइम भी पेशेंट की पोजीशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देखा जाता है। तो ये वो इस्तेमाल हैं, वो चीजें हैं, वो यूजेज हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ होता है? हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का। फिर है एयरपोर्ट, हैव यू एवर सीन कंप्यूटर एट एयरपोर्ट, क्या आपने कभी एयरपोर्ट पर कंप्यूटर देखा है? Yes, when I went on vacation with my family, जब मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाता हूँ तब मैंने एयरपोर्ट पर कंप्यूटर देखे हैं। एंड यहाँ पर पेज नंबर 10 के कॉर्नर में हमें दिया हुआ है, डू यू नो अ कंप्यूटर रन दे गेट हॉट, देयरफॉर कंप्यूटर हैव फैन टू कीप देम कूल। कंप्यूटर काम करते टाइम गर्म हो जाते हैं, इसीलिए उनके साथ फैन अटैच्ड होकर आता है जो उनको ठंडा रखने में उनकी हेल्प करता है। फिर एक कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर्स एट बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, सारे के सारे पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखना कि किसका बैगेज किसका बैग। एरोप्लेन में हमारे पास तो नहीं होता है बैगेज, हमारे बैग्स को अलग जगह पर रख दिया जाता है, तो किस पैसेंजर का कौन सा बैग है इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर आर नॉट ओनली यूज टू बुक टिकट, कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ टिकट बुक करने के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो टू फ्लाई एन एरोप्लेन, एरोप्लेन को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। आप पिक्चर में देख सकती हैं पायलट की सीट बनी हुई है और आगे कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई है। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज एट सेवरल अदर प्लेसेज लाइक बैंक्स, सुपर मार्केट एटसेट्रा, और कंप्यूटर का इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगहों पर किया जाता है जिनमें से बैंक है और सुपर मार्केट है। और डू यू नो में लिखा हुआ है द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर, पहला एप्पल कंप्यूटर स्टीव जॉब्स ने और स्टीव वॉन्जियक ने बनाया था, और उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स को अपने स्टाफ से फ्री में कलेक्ट करके इस कंप्यूटर का आविष्कार किया था। पेज नंबर 11 पर हमें एक्टिविटी दी हुई है, क्लिक पिक्चर ऑफ योर फैमिली यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, टेक देम देयर प्रिंट आउट एंड पेस्ट देम बिलो। आपको अपनी फैमिली को कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो फोन है, चाहे वो टैबलेट है या डेस्कटॉप है, या फिर कोई स्मार्ट वॉच है या स्मार्ट ग्लास है,
अगर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का, तो आपको क्या करना है, उसका उनकी पिक्चर क्लिक करनी है और नीचे दिए गए बॉक्सेस में उसको पेस्ट करना है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 के टॉप में दिया हुआ है लेट्स रिकॉल। लेट्स रिकॉल का मतलब होता है जब हमने अपना चैप्टर पूरा पढ़ लिया, उसके बाद एंड में हम देखना चाहते हैं, उसकी समरी छोटी सी दी होती है कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। पहला है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वियरेबल कंप्यूटर। कंप्यूटर कम इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज। कंप्यूटर की शेप, उनका आकार और उनका साइज अलग अलग होता है उनके इस्तेमाल के तरीके से। कंप्यूटर आर यूज्ड इन सेवरल प्लेसेस, कंप्यूटर को अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है, कहीं हॉस्पिटल्स में, घरों में, बैंक में, एयरपोर्ट में, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में, यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपनी एक्सरसाइज पर आएंगे। एक क्वेश्चन में बोला है नेम द फॉलोइंग, आपको ब्लू कलर का हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। अ कंप्यूटर विच इज स्मॉल लाइक अ ब्रीफकेस, वो कंप्यूटर जो ब्रीफकेस की तरह छोटा होता है वो क्या है, हमारा लैपटॉप। अ कंप्यूटर विच यू कैन कीप इन योर पॉकेट, वो कंप्यूटर जिसे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं वो क्या है, स्मार्टफोन। अ कंप्यूटर विच इज कैप्ट ऑन द टेबल, वो क्या है, डेस्कटॉप। जिस कंप्यूटर को हम टेबल पे रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। फोर प्लेसेस वेयर यू सी अ कंप्यूटर, चार ऐसी जगह जहां पर आप कंप्यूटर को देखते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट एंड बैंक। बी क्वेश्चन में बोला है आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। अ कंप्यूटर हेल्प टू डायग्नोस डिजीजेस इन हॉस्पिटल, कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में बीमारियों का पता लगाने में मदद करता है, ट्रू। अ कंप्यूटर हेल्प इन डूइंग कैलकुलेशन, कंप्यूटर हमारी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है, ट्रू। कंप्यूटर विच इज कैप्ट ऑन द टेबल इज कॉल्ड लैपटॉप, कंप्यूटर जिसको टेबल पे रखा जाता है उसे हम लैपटॉप कहते हैं, फॉल्स, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर ऑन अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रू। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, कंप्यूटर जो है अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन कर सकता है, ट्रू। वी कैन नॉट प्ले गेम्स एंड मूवीज ऑन कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे ना ही गेम्स खेल सकते हैं ना ही मूवीज देख सकते हैं, फॉल्स। उसके बाद आपको सी वाले क्वेश्चन में बोला है इन द वर्ड ग्रिड, आपको एक वर्ड ग्रिड दी हुई है नीचे, सर्च फाइव प्लेस, कुछ आपको फाइव प्लेसेस को ढूंढना है, वेयर कंप्यूटर आर यूज, जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, एंड सर्कल दैम विद क्रियॉन, टेक द हेल्प ऑफ द हिंट, आपको हिंट की हेल्प लेनी है। हिंट में आपको पांच नाम दिए हुए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, होम एंड ऑफिस, आपको इनको इस ग्रिड में ढूंढना है और ग्रिड में ढूंढने के बाद उसको किसी एक कलर से कलर कर देना है, ये आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो टू मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्स, ब्यूटिफुल पिक्चर्स बनाने के लिए, टू प्ले एजुकेशनल गेम्स और एजुकेशनल गेम्स खेलने के लिए। नेम द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर के नाम बताइए, हमने रिकॉल बॉक्स में पढ़ा था, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वियरेबल कंप्यूटर। और अगर आप इनके नाम बताने तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये तीनों भी लिख सकते हैं। राइट एनी वन यूज ऑफ कंप्यूटर एट होम, कोई भी ऐसा एक यूज बता दीजिए, ऐसा इस्तेमाल बता दीजिए जहां जिसका कंप्यूटर का इस्तेमाल जहां घर पे किया जाता है। क्या कर सकते हैं हम, वी यूज कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट, मूवी देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल घर पे करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ई में, ओ द कीबोर्ड फेल अपार्ट, कैन यू फिक्स इट, जो कीबोर्ड है वो फेल हो गया है, उसके लेटर्स इधर उधर हो गए हैं, राइट द लेटर नंबर एंड सिंबल बैक टू देयर प्लेसेस, आपको उनको प्रॉपर प्लेसेस पर लिखना है, ये भी आप खुद से करेंगे। और सबसे लास्ट में पेज नंबर 14 पे, कनेक्ट द डॉट एंड कलर द पिक्चर, आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है काउंटिंग वाइज और फिर उसको कलर करना है। कीबोर्ड को फिल करने के लिए आप गूगल का यूज कर सकते हैं, आपकी जो पुरानी बुक्स हैं फर्स्ट क्लास की उसमें भी आपको कीबोर्ड की पिक्चर मिलेगी, तो आप उसमें से भी इसको फिल कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया हुआ जो मैंने आपको बताया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू, स्टे होम एंड